क्या आपने कभी ऐसा अजीबोगरीब क्यूब देखा है? ऐसा क्या हुआ कि इंसान 72 घंटों तक दुनिया के सबसे जहरीले 72 सांपों के साथ एक कमरे में रहा? और तब क्या हो जब आपको वेट लॉस करने के बदले सोना मिल जाए? आपके इन्हीं सवालों और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बैठे हमारी फैक्ट्स एक्सप्रेस नंबर 7 पर, तो बने रहिए आखिरी स्टेशन तक। फैक्ट नंबर 32, आप चाहे कितना भी याद कर लो, कितना भी दिमाग पर जोर डालो, पर आपको कभी याद नहीं आएगा जो सपना आपने उठने से पहले देखा था वो शुरू कैसे हुआ था। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अगली बार ट्राई करके देख लेना। फैक्ट नंबर 31, क्या आप जानते हैं कि इंसान दुनिया के किसी भी जानवर के मुकाबले ज्यादा दौड़ सकता है, फिर चाहे वो चीता हो या घोड़ा? इसका कारण है पसीने का निकलना, जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। हम जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा और लगातार दौड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 30, एक राज की बात बताऊं, अगर आप किसी से बहस में जीतना चाहते हैं तो अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने बोलने की स्पीड को बढ़ा दीजिए। ऐसा करने से सामने वाले की सोचने का समय कम मिलता है और आपके आर्गुमेंट जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 29, क्या भीख मांगने का इससे क्रिएटिव आइडिया आपने देखा है? इस आदमी ने प्ले कार्ड पर लिख दिया कौन सा धर्म ऐसा है जो बेसहारा लोगों की सबसे ज्यादा फिक्र करता है। अब हर धर्म के पास मौका है खुद को साबित करने का। वैसे अच्छा तरीका है धार्मिक लोगों के दिमाग से खेलने का। इस भाई के लिए एक लाइक तो ठोको। फैक्ट नंबर 28, एक ऐसा कानून जिसे भारत में लागू करना चाहिए। स्वीडन की सड़कों पर ऐसे कैमरास लगे हुए हैं जो सड़क पर चल रही गाड़ी की स्पीड को नोट करते हैं। ये कैमरा हर उस ड्राइवर पर नजर रखता है जो स्पीड लिमिट के अंदर या स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहा है। फिर इस सारे डेटा को ट्रैफिक लॉटरी में डालकर विनर अनाउंस किया जाता है। फिर ऐसे किसी एक ड्राइवर को लॉटरी निकलती है और जो कानून का पालन कर रहा हो और उस प्राइस के लिए पैसे स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाले लोगों द्वारा भरे गए फाइन से इकट्ठा होते हैं। फैक्ट नंबर 27, क्या आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल क्यों और कब होने लगा था? दरअसल फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल तब होने लगा था जब नाइजीरिया के रहने वाले दो लोग, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, हालांकि वे कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे और ना ही कभी एक दूसरे से बात की थी, इन दोनों को एक ही जेल में रखा गया था। जेल के स्टाफ भी उन्हें आइडेंटिफाई करने में काफी दिक्कत महसूस करने लगे। इसके बाद उसके फिंगरप्रिंट के आधार पर उन्हें आइडेंटिफाई किया जाने लगा और यहीं से शुरुआत हुई फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन की। फैक्ट नंबर 26, रेनबो तो आप सभी ने देखा होगा, पर आपने शायद ही कभी पूरा रेनबो देखा हो। रेनबो असल में एक पूरा सर्कल होता है जिसे सिर्फ हवाई जहाज में बैठकर पूरी तरह से देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 25, आने वाले समय में ऐसी लिफ्ट मौजूद होगी जो आपको केवल एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ही नहीं, बल्कि एक फ्लोर पर एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाएगी। ये कॉन्सेप्ट 2016 में सामने आया जब एक जर्मन इंजीनियर ने वायरलेस एलिवेटर बना दिया जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद में चलता है। 2016 में इसका एक महज मॉडल लॉन्च हुआ था। उम्मीद है कि 2020 तक आम बिल्डिंग्स में भी आपको ऐसे ही एलिवेटर देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 24, 1986 में भारत में रहने वाले नीलिम कुमार ने 72 घंटे एक पिंजरे में बिताए जहां उसके साथ दुनिया के 72 सबसे जहरीले सांप मौजूद थे। उस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका कहना था कि जब तक सांपों को हम किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक सांप आप पर हमला नहीं करेंगे। 72 घंटे बाद उस व्यक्ति ने पिंजरे से जिंदा बाहर निकलकर इस बात को साबित भी कर दिया। फैक्ट नंबर 23, नॉर्वे पढ़ाई को लेकर इतना जागरूक है कि वहाँ किसी भी देश का स्टूडेंट जाकर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में बिना ट्यूशन फीस दिए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। आपको बस वहाँ रहने और खाने का खर्चा उठाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 22, टोक्यो में कई रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही आत्महत्या के चलते किया गया है। एक सर्वे के मुताबिक ब्लू लाइट्स के अंदर दिमाग को और मूड को बिल्कुल शांत कर देने की प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से सुसाइड रेट में काफी कमी आई। फैक्ट नंबर 21, जब शेर के बच्चे उसे काटते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके काटने से शेर को बहुत दर्द हो रहा है। शेर ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने बच्चे को शिकार करने की आदत डाल सके, उसका आत्मविश्वास बढ़ सके और उसे ये महसूस करवा सके कि वो सबसे ताकतवर है। फैक्ट नंबर 20, एल्बेट्रोस एक ऐसा पक्षी है जो दिखने में जितना विशाल है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये पक्षी सालों तक बिना जमीन पर बैठे उड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी उड़ान के पहले 6 साल ये पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बिताते हैं, जिसमें वे एक बार भी जमीन पर नहीं बैठते। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशी आपकी फिटनेस पर निर्भर करती है? रनिंग और दूसरे वर्कआउट आपकी बॉडी में एंड्रोफिन्स जैसे हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। इससे आपके मूड को हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते भी हैं, तो फिट रहिए, खुश रहिए। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है आज इंसान ने पीने वाले पानी को खाने वाला पानी बना दिया है? नहीं समझे तो ये देखिए, ओहो, इसे बनाया है स्किपिंग रॉक लैब कंपनी ने।
प्लास्टिक की बोतल जो एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसे देखते हुए इस कंपनी ने पानी को एक कैप्सूल में भर दिया जिसे पीने से पहले चबाना पड़ता है। कंपनी का कहना है कि ओहो में इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल खाया जा सकता है जिससे प्लास्टिक के यूज पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। फैक्ट नंबर 17, ये है अफ्रीकन पॉर्क्यूपाइन। दिखने में शांत सा ही जानवर असल में बड़ा ही खूंखार होता है। इसके पिछले हिस्से के बाल कितने घातक होते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर कोई इसका शिकार करने की कोशिश करता है तो ये पॉर्क्यूपाइन अपने कांटे तीर की तरह ऐसे छोड़ता है जैसे अपने शिकारी के आर पार कर देता है। फैक्ट नंबर 16, हम सबके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा प्राणी जरूर होता है जो फुटबॉल का भयंकर दीवाना होता है ना। फुटबॉल के ऐसे ही कुछ दीवाने वो होते हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं पाते। सैड ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विजुअली इम्पेयर्ड लोग फुटबॉल को उसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि वो मैच को अपनी आंखों से देख रहे हो। वेल, इसके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट ये है कि एक साइन लैंग्वेज वाला इंसान इनके दोनों हाथों को बिल्कुल वैसे ही मूव करता है जैसे कि बॉल मैदान में मूव करती है। बाकी का मैच की कमेंट्री सुनाकर हो जाता है। फैक्ट नंबर 15, ये है 24 साल के गुइलर्मो मार्टिनेज। पेशे से इंजीनियर मार्टिनेज इंसानियत की वो मिसाल है जो कभी कभी देखने को मिलती है। गरीबों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है मार्टिनेज। मार्टिनेज ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे प्रोस्थेटिक लिम्बस तैयार किए हैं जो अपंगों के लिए बहुत मददगार है। साथ ही मार्टिनेज इस प्रोस्थेटिक लिम्बस को फ्री में देता है। मार्टिनेज ने आज केनिया जैसे कई देशों में इन प्रोस्थेटिक लिम्बस के जरिए लोगों को जिंदगी जीने का नया जोश दिया है। फैक्ट नंबर 14, अफ्रीका में एक नहर ऐसी है जिसने रातों रात 300,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। इसके चपेट में आसपास के कई गांव आ गए जिनमें 1500 से ज्यादा लोग और लगभग 4000 जानवर मौत की नींद सो गए। वैसे CO2 का इफेक्ट लगभग 18 मील तक फैला जिसने दूर दूर तक लोगों को परेशान किया। ये क्यों और कैसे हुआ आज भी एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 13, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आपकी दोस्ती 7 साल तक टिक जाए तो आपकी दोस्ती का ये बॉन्ड जिंदगी भर नहीं टूटेगा। कमेंट में अपने उस दोस्त का नाम बताइए जो आपका जिंदगी भर दोस्त रहेगा। फैक्ट नंबर 12, स्केलेटन फ्लावर वो फूल है जिसकी पत्तियां इतनी नाजुक होती है कि बारिश का पानी पड़ते ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। कमाल है भैया, नेचर के नेचर को समझना तो वाकई टेढ़ी खीर है। फैक्ट नंबर 11, कि आपको पता है कि सुबह की पहली चाय की चुस्की से कहीं ज्यादा बेहतर एप्पल का एक बाइट होता है। जी हाँ, आपकी नींद को पूरी तरह भगाने और आपको ताजगी का एहसास करवाने के लिए एप्पल का एक बाइट ही काफी है, ट्राई कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, आपको जानकर हैरानी भरा शौक लग सकता है कि चाय की खोज तो अनजाने में हो गई थी, ऊपर से इसे खोजे हुए लगभग 4700 साल हो चुके हैं। चीन के लोगों का दावा है कि चाय की खोज 2737 BC में हुई जब चीन के राजा शेन नोंग अपने गार्डन में पानी उबाल रहे थे, तभी चाय की एक पत्ती गलती से उस पानी पर आ पड़ी और इस तरह हो गई चाय की खोज। फैक्ट नंबर 9, आपने भेड़ चाल की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि अगर एक भेड़ कहीं से कूद पड़े तो उसके पीछे सभी भेड़ें भी कूद जाती है। जी हाँ, साल 2005 में टर्की के इस्तांबुल में एक भेड़ ने पहाड़ी से छलांग लगा दी जिसके पीछे एक दो नहीं बल्कि 1500 भेड़ों ने एक साथ छलांग लगा दी। जिन लोगों ने नजारा देखा उन लोगों के तो होश उड़ गए जब एक के बाद एक भेड़ का झुंड छलांग मार रहा था। इस हादसे में 450 भेड़ों की मौत हो गई। बाकी की भेड़ें इसलिए बच गई क्योंकि वो पहले से गिरी हुई भेड़ों पर गिर रही थी। जानवरों के इस सुसाइडल नेचर पर रिसर्च अभी भी चल रही है। फैक्ट नंबर 8, आपको जानकर गर्व से भरी हैरानी इस बात की होगी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के ये भयानक ड्रैगन मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहने वाले कुछ VFX आर्टिस्ट ने तैयार किए हैं। आरिश फैजी और उनके साथी जो अमेरिका की VFX कंपनी प्राणा स्टूडियोज में काम करते हैं, उनके लगभग 800 आर्टिस्ट की टीम ने गेम ऑफ थ्रोन्स के इन खूंखार ड्रैगन्स को पर्दे पर उतारा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमेरिकी VFX कंपनी प्राणा स्टूडियोज के इन्वेस्टर है हमारे मुकेश भाई। फैक्ट नंबर 7, इस फैक्ट पर तो आपका दिल ही आ जाएगा कि आप जानते हैं कि तुर्की लोग एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसका नाम गर्ल चेसिंग है। नहीं, इस खेल में लड़की के पीछे भागना बिल्कुल भी नहीं है बल्कि इस खेल में लड़की के अगेंस्ट घुड़सवारी करना है। अब इस कंपटीशन को आपने जीत लिया तो एक प्यारा सा किस आपको मिलेगा, वरना तैयार हो जाइए जोरदार पिटाई के लिए क्योंकि लड़की के जीतने पर आपको एक कोड़े से पीटेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। फैक्ट नंबर 6, एक रिपोर्ट कहती है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको हर कपल खुश दिखाई देगा, वहीं हर कमिटेड इंसान को एक सिंगल पर्सन की लाइफ बहुत खुशनुमा और हैपनिंग लगती है। फैक्ट नंबर 5, चाइना ने तैयार किया है 250 एकड़ का सोलर फार्म जो दिखने में एक जॉइंट पांडा है। वैसे ये अनोखा काम तो चाइना ही कर सकता है।
फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुबई वो देश है जो अपने नागरिकों को फिट रहने के लिए इनाम में सोना देता है। जी हाँ, गोल्ड, वो भी फिट रहने के लिए। इस स्कीम का एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हर एक किलो वेट लॉस करने पर कुछ ग्राम का सोना दिया जाता है। वैसे बच्चों को फिट रहने के लिए यही सोना डबल अमाउंट में दिया जाता है ना कमाल का देश। फैक्ट नंबर 3, ये है सलीम अपूर जी, जो मछली को रोमन एम्पायर में मस्ती मजाक करने के लिए खाया करती है। कहते हैं कि सलेमा खाने के 36 घंटे तक इंसान नशे में रहता है और अपनी अलग सपनों की दुनिया में चला जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी रूबिक क्यूब सॉल्व किया है? वैसे मेरे हिसाब से अब तक 80% लोग इसे सॉल्व करने में नाकाम रहे होंगे, तो फिगर नॉट, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जापान ने तैयार किया एक ऐसा रोबोटिक क्यूब जो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। बस जरा सा घुमाइए और रख दीजिए टेबल पर इसे सॉल्व होने के लिए। बोनस फैक्ट दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे हिंदी न्यूज एंकर्स को इंग्लिश न्यूज एंकर्स के मुकाबले 90% ज्यादा लोग देखते हैं। लेकिन जब बात सैलरी की आती है तो इंग्लिश के एंकर्स हिंदी न्यूज के एंकर से कई ज्यादा रुपए कमाते हैं। एक बात तो साबित होती है कि इंग्लिश जानने से आपकी पैसे कमाने की ताकत बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, हिंदी बोलने पर गर्व करें, लेकिन इंग्लिश भी जरूर सीखें। और वन, जब रूबिक क्यूब की बात चल रही है तो देखते हैं इस अतरंगी क्यूब को, जिसका नाम है मेगा मिंक्स क्यूब। जहां नॉर्मल क्यूब की 6 फेज होती है, वहीं इसके 12 फेज होते हैं। इसे सॉल्व करने का विश्व रिकॉर्ड जुआन पब्लो के नाम है, जिन्होंने इसे 27.5 सेकंड में सॉल्व कर दिया था। भाई, मुझसे तो नॉर्मल क्यूब सॉल्व नहीं होता, ये तो घंटा सॉल्व होगा। तो आज के वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1,00,000 लाइक्स। आप पे भरोसा है, पूरा पूरा करवा ही दोगे। बाकी हमारी हर वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बने रहिए सीक्रेट इंजन टीवी के साथ।